hello everyone and welcome to our new video in this video we are going to discuss another problem from codechef long august 2021 division 3 rated and the problem is programming problem difficulties so let's get to the problem statement you have prepared four problems the difficulty level of the problems are a1 a2 a3 a4 a problem set comprises of at least two problems and no two problems इन द प्रॉब सेट शूड हैव सेम डिफिकल्टी ले प्रॉब्लम कैन बिलोंग टू एटमोस्ट वन प्रॉब्लम सेट आउटपुट दी मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम सेट यू कैन क्रिएट यूजिंग फोर प्रॉब्लम तो हमसे प्रॉब्लम क्या कह रही है हमसे प्रॉब्लम कह रही है कि हमें चार प्रॉब्लम दी जाएंगी ठीक है और प्रॉब्लम्स का कुछ न कुछ लेवल होगा ठीक है हम एक एग्जाम्पल लेते हैं एग्जाम्पल है हमारी प्रॉब्लम वन का लेवल वन होगा टू का टू होगा थ्री का थ्री होगा फोर का फोर होगा उसके बाद हमसे बोला गया कि दो दो के सेट्स बनाने और हमें बताना कितनी प्रॉब्लम हम बना सकते हैं दो दो के सेट बना सकते हैं उसके अलावा कंडीशन भी है कंडीशन क्या है कि सेम डिफिकल्टी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक सेट में नहीं हो सकती तो अगर हम देखें यहाँ पे हम कितने सेट बना सकते हैं एक इसका बना सकते हैं दूसरा इसका बना सकते हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम कितने सेट बना सकते हैं दो ठीक है उसके बाद अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें वन वन टू थ्री तो यहाँ पे कितने सेट बना सकते हैं अगर आप सोच रहे हैं इन दोनों का सेट बना सकते हैं तो ये गलत है क्यों क्योंकि वन और वन सेम लेवल की प्रॉब्लम इनको साथ में नहीं रख सकते तो हम क्या करेंगे इन इसकी जगह हम इन दोनों का सेट बना देंगे एक और इन दोनों का सेट बना देंगे दो तो यहाँ पे भी कितने सेट्स पॉसिबल हैं दो मैक्सिमम दो ठीक है अब अपने तीसरे एग्जाम्पल अगर हमारा एग्जाम्पल वन 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 थ्री तो यहाँ पे कितने सेट बन सकते हैं यहाँ पे सिर्फ एक ही सेट बन सकता है वन थ्री क्योंकि इसके साथ थ्री को ले लो इसके साथ या फिर इसके साथ और उसके बाद वन वन का दूसरा सेट बन सकता है जो कि हमें नहीं चाहिए तो यहाँ पे कितने मैक्सिमम सेट पॉसिबल है वन और लास्ट केस क्या के आता है वन 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 तो यहाँ पे अगर हम देखें कितने सेट बनेंगे जीरो सेट क्योंकि सभी प्रॉब्लम जो है वो रिपीटेड है तो मैक्सिमम कितने पॉसिबल हो सकते हैं सेट्स मैक्सिमम पॉसिबल सेट्स होंगे टू और मिनिमम पॉसिबल सेट्स होंगे कितने मिनिमम पॉसिबल सेट्स होंगे हमारे मिनिमम पॉसिबल सेट्स हो जाएंगे जीरो ठीक है नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं प्रॉब्लम में कौन सा अप्रोच लग जा, लगा सकते हैं वो देखते हैं हम करने क्या वाले इस प्रॉब्लम में इसमें कुछ केसेस होंगे सबसे पहला केस क्या होगा जब हमारे पास चारों डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे चारों डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है चारों डिफरेंट एलिमेंट होंगे उस केस में हमको कितने मिलेंगे उस केस में हमको नंबर ऑफ जो पेयर्स मिलेंगे या फिर नंबर ऑफ जो सेट्स मिलेंगे वो दो मिलेंगे सेकेंड केस में क्या आएगा सेकेंड जब हमारे पास तीन डिस्टिंक्ट होंगे और एक कोई मतलब तीन डिस्टिंक्ट होंगे मतलब एक कोई रिपीट हो रहा होगा उस केस में भी हमको नंबर ऑफ पेयर्स मिलेंगे टू थर्ड केस है हमारा जब हमारे पास दो डिस्टिंक्ट होंगे जब हमारे पास दो डिस्टिंक्ट होंगे यानी उसका एग्जांपल क्या वन वन टू टू ठीक है वन वन टू टू तो यहां पे भी हमारे पास जो मैक्सिमम पॉसिबल है वो कितने हैं वहां पे मैक्सिमम पॉसिबल हमारा हो सकता है वन ठीक है और लास्ट हमारे पास जो है वो है फोर्थ जब हमारे पास एक ही डिस्टिंक्ट होगा मतलब सिर्फ एक ही यूनिक होगा चारों सेम होंगे तो उस केस में हमारे कितने हो जाएंगे जीरो ठीक है उसके अलावा हमें एक चीज और याद रखनी है जब हमारे पास नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट अगर क्या हो जाते हैं टू डिस्टिंक्ट होते हैं जो तो टू डिस्टिंक्ट में दो केसेस बनते हैं अगर मैं एग्जांपल दिखाऊं दोनों का तो फर्स्ट एग्जांपल क्या होगा कि मान लो वन 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 और टू और सेकेंड एग्जांपल होगा वन वन टू टू तो इस केस में मैं देखू कितने पेयर्स पॉसिबल है वन क्योंकि ये दोनों रिपीटिंग लेकिन इस केस में कितने पेयर्स पॉसिबल है वन टू तो डिफरेंस कहाँ आ रहा है अगर हमारे पास एक ट्रिपलेट है और एक यूनिक एलिमेंट है तब हमारे पास सिर्फ एक ही पेयर बनेगा एक ही सेट बनेगा वरना हमारे पास अगर दो एक भी ट्रिपलेट नहीं है इन चारों नंबर्स, इन चारों डिजिट्स में से तो हमारे पास दो एलिमेंट बनेंगे तो इसका कोड किस टाइप से होगा वो देखते हैं हम अभी अप्रोच क्या होगा इस प्रॉब्लम का अप्रोच कुछ इस टाइप से होगा कि हम सबसे पहले अपना नंबर ऑफ टेस्ट केसेस इनपुट कराएंगे इनपुट टेस्ट केसेस ठीक है उसके बाद हम जब तक हमारे टेस्ट केसेस नहीं खत्म होते हम वाइल्ड टेस्ट माइनस माइनस चला देंगे उसके अंदर हमको क्या कराना है उसके अंदर हमको इनपुट कराना है उसके अंदर हमको एक एरे क्रिएट करना है ठीक है एरे क्रिएट कर लेते हैं किस साइज का फोर साइज का क्रिएट कर लेते हैं उसके बाद हम क्या करेंगे हम इस एरे की वैल्यू इनपुट कराएंगे ठीक है तो अपन क्या कर सकते फॉर लूप चला सकते हैं आई इज इक्वल टू जीरो से आई लेस देन फोर तक आई प्लस प्लस और इसके अंदर हम क्या करेंगे इसके अंदर हम एक एलिमेंट बनाएंगे टेम्प ठीक है उसके बाद उसकी वैल्यू को इनपुट कराएंगे टेम्प की ठीक है और ये जो हमने ए आर आर बना इसको फोर की जगह टेन साइज का बना लेते हैं ठीक है टेन साइज का बना लेंगे मैं अभी समझाऊंगा हम कैसे अप्लाई करेंगे सी इन टेम्प कराएंगे उसके बाद जो हम एरे ऑफ टेम्प माइनस वन है उसको एक से बढ़ा देंगे और उसके बाद ये फॉल लूप हमारा खत्म हो जाएगा नेक्स्ट हमको क्या करना है जैसे ये फॉल लूप खत्म होगा हम एक और फॉल लूप एक वेरिएबल बना लेंगे इंट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट उसके बाद क्या करेंगे नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट को नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट हमने बना लिया इनिशियली इसको वन रख देंगे ठीक है इनिशियली इसे इनिशियली uh, इसे जीरो कर देते हैं ठीक है और एक वेरिएबल बना लेंगे बुलियन ट्रिपलेट बुलियन ट्रिपलेट ठीक है अगर ट्रिपलेट इसको इनिशियली फॉल्स कर देंगे और जैसे हमें कोई ट्रिपलेट मिलेगी ट्रू कर दें अब हम क्या करेंगे अब हम एक फॉल लूप चलाएंगे आई इज इक्वल टू जीरो से आई लेस देन टेन तक चलाएंगे ठीक है आई लेस दे तक टेंथ तक क्योंकि चलाएंगे क्योंकि हम इस एरे की वैल्यू को ट्रेवर्स कर रहे हैं ठीक है और अगर हमारा एरे एट आई जो है वो जीरो के इक्वल है नहीं है अगर वो जीरो के इक्वल नहीं है ड नॉट इक्वल टू जीरो तो उस केस में हम क्या करेंगे जो हमारा नंबर ऑफ डिस्टिंग है उसको एक से बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट उसको एक से बढ़ा देंगे ठीक है और अगर वो एलिमेंट ऐसा है तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे उसके अलावा हमको क्या चेक करना है कि अगर हमारा इफ ट्रिपलेट इज इक्वल टू ट्रिपलेट इज इक्वल टू नहीं अगर हमारा एरे एट आई थ्री होता है कोई तो एरे एट आई अगर हमारा थ्री होता है तो हमारा जो ट्रिपलेट है उसको हम ट्रू कर देंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे लास्ट में हम कुछ कंडीशंस लगाएंगे पहली कंडीशन होगी अगर हमारा इफ जो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट है वो अगर कितना है अगर वो पूरा फोर है तो उस केस में हम क्या करेंगे अगर चारों डिस्टिंक्ट एलिमेंट है तो हम प्रिंट कर देंगे टू ठीक है उसके अलावा एल्स इफ में इफ अगर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट थ्री है तो उस केस में भी सी आउट कर देंगे हम टू उसके अलावा अगर हमारे नंबर ऑफ डिस्टिंग टू है अगर ये टू है ठीक है तो हमको क्या चेक करना है क्या वो ट्रिपलेट है इसके साथ साथ एंड एंड अगर वो ट्रिपलेट है ठीक है अगर वो ट्रिपलेट है मतलब ट्रिपलेट है तो ट्रिपलेट इज इक्वल टू ट्रू हो जाएगा अगर तो अगर वो ट्रिपलेट भी है और डिस्टिंक टू है तो ट्रिपलेट केस में हमने क्या देखा था हम आउटपुट करेंगे वन ठीक है वरना हम क्या करेंगे अगर नंबर ऑफ डिस्टिंग टू है और ट्रिपलेट हमारा नहीं है तो हम आउटपुट कर देंगे सी आउट टू और अगर हमारा सी आउट, अगर लास्ट हमारा जो नंबर ऑफ डिस्टिंग वन है नंबर ऑफ डिस्टिंकट अगर वन है तो उस केस में हम प्रिंट कर देंगे जीरो तो हमारा अप्रोच था अभी हम इसको डिस्कस करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू ठीक है हम एग्जाम्पल लेते हैं और फिर इसको डिस्कस करते हैं चलिए एग्जाम्पल देखते हैं मान लीजिए हमारा एग्जाम्पल है ठीक वन, वन, है अब हम क्या करेंगे हमने क्या किया एक एरे बनाया कितने साइज का टेन साइज का साइज शुरू में पूरे टेन है टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये हमारे टेन एलिमेंट हो गए ए आर आर के उसके बाद हमने क्या बोला कि अगर हमारा अगर हमारा हमें क्या करना है जो भी हमारा ये नंबर है उसका एक माइनस वन करके उस इंडेक्स पे जाके उसकी वैल्यू के एक से बढ़ाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा हमने लिखा था एरे एट आई माइनस वन यानी एरे एट हम जब इनपुट कराते टेम्प माइनस वन लिखा था एरे एट टेम्प माइनस वन प्लस प्लस किया था हमने इसका मतलब क्या टेम्प हमारा वन था तो ये क्या करेगा जाके जीरो पोजिशन को एक से बढ़ा देगा फिर क्या नेक्स्ट एलिमेंट भी वन है तो वो उसको फिर से एक से बढ़ा देगा तो ये टू हो जाएगा नेक्स्ट एलिमेंट है तो ये ये क्या करेगा यानी यानी फर्स्ट इंडेक्स पे जाएगा उसको एक से बढ़ा देगा लास्ट फोर है तो ये क्या करेगा ये फोर माइनस वन उस इंडेक्स पे जाएगा यानी थर्ड इंडेक्स पे जाएगा और उसको एक से बढ़ा देगा जीरो वन टू थ्री और इसको एक से बढ़ा देगा उसके बाद हम क्या करेंगे इस ए आर आर को ट्रेवर्स करेंगे और इसमें हम क्या देखेंगे कि किस किस पोजीशन पे हमारा जो नंबर है वो जीरो नहीं है तो हम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट देखें तो ये होगा नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ये भी होगा और ये भी होगा हमारे पास थ्री डिस्टिंक्ट है और थ्री डिस्टिंक्ट के लिए हमें क्या प्रिंट करना था थ्री डिस्टिंक्ट के लिए हमें टू प्रिंट करना था इसी तरह कर करके हम बाकी टेस्ट केसेस के लिए भी कर सकते हैं तो काफी सिंपल अप्रोच है इसका हमें क्या करना क्या है एक एरर बनाना है एक एरे बनाना है ठीक है array बनाने के बाद हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और हमें थिंग्स क्या-क्या नोट डाउन करनी है पहली चीज हमें पता करना है अगर थ्री डिस्टिंक्ट थ्री या फिर फोर डिस्टिंक्ट है तो उस केस में हम आउटपुट करेंगे टू सेकेंड केस में अगर टू डिस्टिंक्ट है तो इसमें दो केसेस बनेंगे ट्रिपलेट है क्या या फिर नॉट ट्रिपलेट अगर ट्रिपलेट है तो नंबर ऑफ जो हमको आउटपुट करना है वो वन होगा नॉट ट्रिपलेट है तो आउटपुट टू होंगे और थर्ड एग्जाम्पल होगा कि अगर हमारे पास सिर्फ एक डिस्टिंक्ट है तो यहां पे हम आउटपुट कर देंगे जीरो इसके अलावा अप्रोच हमने लास्ट में डिस्कस कर ही लिया तो ये काफी इजी प्रॉब्लम थी तो इसको आप ट्राई करिए हम इसका सॉल्यूशन जैसे कॉन्टेस्ट खत्म होगा तो पोस्ट कर देंगे इसके अलावा अगर आपको इंटरेस्ट है प्रॉब्लम सॉल्व करने में तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीड